ये 150 की, सब 150 है। ये भी 150 की। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सदर का हफ्ता बाज़ार, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। यहाँ किचन वेयर था, ये किचन के सारे आइटम्स थे, प्लास्टिक के सब जो है ना, ये 150 रुपीज़ की सेल में थे। आप कोई भी पीस उठा लो, यहाँ पर 3 पीस बास्केट भी 150 रुपीज़ की है, 1 पीस बाउल भी आपको 150 रुपीज़ का मिलेगा, और यहाँ पे जो बड़ा छलना होता है ना जिसमें बर्तन रखते हैं, वो भी 150 रुपीज़ का था मीडियम साइज़ में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बहुत ही रिकमेंड हैं, कि रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं, और बहुत जो है ना वो लो क्वालिटी की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना यहाँ पर सब शेयर करूँगी, ऑनेस्टली करूँगी कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए या नहीं। मुझे यहाँ पर आना ना, मैंने फुल इसको एक्सप्लोर किया है और फुल आपको रिव्यू दिया, ऑनेस्टली दिया है। आगे वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्वालिटी लो है या हाई है, या आपको आना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली मैंने आपको किराया वगैरह भी यहाँ पे सारा वीडियो में पीछे प्रीवाइज पे आप वीडियो करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा आ जाएगा कि मेरा जितना किराया लगा है यहाँ पे रक्षे पे आने पे। यहाँ पे ये जो है ना, ये 250 रुपये के थे, 4 पीस थे ये आइस क्यूब्स के, ठीक है। ये 250 रुपये के 4 पीस दे रहे थे, सॉरी। और जो दूसरा वाला मैंने इससे पहले लिड वाला उठाया था जिसका कैप था ऊपर, वो 150 रुपीज़ ईच था। यहाँ पर जो है ना आपको की होल्डर्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर जो वो बात के स्टोन होते हैं, बात में यूज़ करते हैं फुट के लिए, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो क्वालिटी भी थी। पर अगर इस मार्केट की, इस बाज़ार की, हफ्ता बाज़ार की बात की जाए, तो यहाँ जो ये इनका लोकेशन जो थी ना सदर की, ये जिस जगह पे लगा हुआ था, ये जगह मुझे नहीं पसंद आई बिल्कुल भी। और आप लोगों के साथ मैं पूरा लास्ट तक शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कीप वॉचिंग, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए ना तो डिसलाइक करके जाइएगा। सो लेट्स इन्जॉय द वीडियो। को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पे ये जो स्टॉल था, इस स्टॉल पे जो है ना वो आपको 1350 रुपये में ये कोई सा भी सूट ले लें, आप ये दे रहे थे। पर इनके प्राइजेज ना फिक्स नहीं थे, ये लास्ट में 1200 से 1100 पर भी आ गए थे कि आपको 1200 से 1100 में दे देंगे। और ये कह रहे थे यहाँ पर ये अलकरम के हैं, ब्रांडेड हैं, पर ये ब्रांडेड नहीं थे, अलकरम के नहीं थे, इन्हें पता नहीं था। जब मैंने इसकी स्टैम्प देखी तो वहाँ पर जो है ये 5 स्टार या आई थिंक क्लासिक का कुछ था कपड़ा, नॉट बैड कपड़ा, अच्छा था इसका, क्लासिक वालों का था ये। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि ये अलकरम का है, तो कपड़े का डिज़ाइन और ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ पे देख लें 3 पीस हैं। येलो वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, पिंक वाला भी, ब्लैक के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, ऑरेंज वाला भी जो है ना बहुत अच्छा था। जितना भी ये इस, ये जितने भी है ना, जितने भी सूट इनके पास थे इस स्टॉल पे, ये 1350। और अगर आप यहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे तो ये आपको 1100 तक भी सूट दे देंगे। ये दुपट्टे कैसे दे रहे हैं भैया? कोई सा भी ले लें। ये 250 वाले, ये 180 वाले, ये सब 250। और वो जो ये गोटे वाले क्या? अच्छा, ये भी जो है ना 250 के थी ना। यहाँ पे जो ज्वेलरी है, इनमें से ये वाला सेट जो अभी सिल्वर कलर का मैंने इनसे लिया है, ये इसमें मांग टीका था, इसके इयररिंग्स थे और इसका नेकलेस था। ये जो है 850 रुपये बोल रहे थे इसका, इसका प्राइस बता रहे थे। यहाँ ज्वेलरी आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगी, ज्वेलरी यहाँ सस्ती है, ज्वेलरी आप यहाँ से ले सकते हो। ज्वेलरी की कलेक्शंस भी इनके पास बहुत अच्छी थी। और ये वाला जो सेट है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा इन है। और इसके जो प्राइस थे ना, वो इन्होंने 1350 बताए थे, पर आप बार्गेनिंग करेंगे ना तो ये आपको 800-1000 रुपये तक ये दे देते हैं। इन्होंने लास्ट जो है वो 800 रुपीज़ कहे थे इसके। और दूसरे वाला जो है ना, अब यहाँ पे जितने भी इनके पास सेट पड़े हुए वो 800 से स्टार्ट हैं, 1300-1200 ये कहते हैं, 800 वाला 700 में भी दे देते हैं ये। यहाँ पे अभी एक सेट है, वो वाइट वाला मैं लूँगी इनसे, गोल्डन वाला ये दिखाएंगे। तो वो जो है ना, इन्होंने मुझे फाइनल जो है ना उसका 850 बताए हैं प्राइस इस वाले सेट के ना। ये वाला सेट इन्होंने 850 बताए थे और ये 700 रुपये में, खुद ही अपने मुंह से 700 रुपये मांग रहे हैं। तो आप बार्गेनिंग करोगे तो ये आपको 600 तक में भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जो ज्वेलरी है वो अच्छी है इनके पास हफ्ता बाज़ार में। बाकी जो है ना, बाकी चीज़ें मुझे इतनी ख़ास यहाँ पे नहीं लगी। यहाँ पे आना मेरा तकरीबन जो है ना वो फजूल हुआ है। ऐसे ही लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया, पर
इतना ज़्यादा अच्छा बाज़ार नहीं है कि आप इतने इतना किराया लगाकर और यहाँ पर आएँ। ये जो है ये 250 रुपये के ये कह रहे थे और 200 रुपीज़ के ये दे देंगे झुमकियाँ जो हैं। अब यहाँ पे जो है ना इतना अगर आप दूर रहते हैं ना तो अगर करीब के एरिया में सदर के कहीं से हैं तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे विज़िट कीजिए। अगर आप बहुत दूर से आते हैं ना तो आपके करीब में जो बाज़ार लगते हैं आप वहाँ पे सस्ते बाज़ार में, बिकॉज़ कि यहाँ पे आपको आने के लिए ऑटो करना पड़ेगा, रक्षा वगैरह, और उसके लिए आपका जो है ना अच्छा खासा किराया लग जाता है। तो ये मैं आपको बहुत दूर के एरिया से आप आते हो तो आपके लिए रिकमेंड नहीं है। अगर आप सदर के नज़दीक नज़दीक कहीं हैं तो आप वहाँ से नहीं, या फिर आप जो है ना सस्ते जो आपके करीबी इलाके के मार्केट बाज़ार लगते हैं वहाँ पर जाएँ। इतना ख़ास नहीं है कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर शॉपिंग करें, बिकॉज़ के फजूल जो हमारे एरियाज़ में सस्ते बाज़ार लगते हैं उन्हीं की तरह है, बल्कि ये मुझे बिल्कुल ही फजूल लगा है। यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं है कि आप लोग यहाँ आकर जो है ना, इसको YouTube पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया है, बट मेरी तरफ से ये नो रिकमेंडेड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आने के काबिल नहीं है यहाँ पर। तो आपके ऊपर है आप आएँ या ना आएँ। मैंने ऑनेस्टली अपना रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये कैसे दे रहे हैं? ये शर्ट है, ये भी लगा टी शर्ट के दामन पे, और ये दुपट्टे और ये वाला, ये क्या प्राइस है? 2500 के 3 पीस है, लाइनिंग नहीं है बीच में। दुपट्टा इसका सादा होगा, सादा मिलेगा ना? कौन सा वाला दिखा देना है, कोई सा भी दे देंगे इसके साथ। अच्छा, ये खाली दामन दे दो। अच्छा, इसका क्या फाइनल क्या हो जाएगा? 2200 का लगा देगा। 2200 रिंकल पे बना हुए, ये निकलेगा तो नहीं इस लाइन से। कपड़ा कितना होगा भैया? ये 100 का देंगे प्रिंट, आगे कहाँ भरा हुआ होगा, पीछे सादा ना। ये कैसे दे रहे? 1300 का ओरिजिनल है। इसको एक ना कैप्चर करना से ये आगे का हिस्सा है, अलग से 1300 और क्या इसका क्या प्राइस है? 2550 फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा, इसके साथ शेफोन दुपट्टा है। ये वाला दिखाओ भैया मुझे, ये येलो वाला अगर दिखाओ मुझे, ये बहुत प्यारा है। 5 स्टार किलो में ज़रा है, हमें 3 दफा रेट बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद कह रहे हम रेट बढ़ा रहे हैं। शलवार है, इसके क्या प्राइस है? सेम प्राइस लोन अच्छी है, इसकी लोन अच्छी है। ये क्या सेम प्राइस का? 2550 का। तीनों नए लगे हैं ना, सेम यही चाहिए। इसके अलावा बाल भाई की बहुत खूबसूरत लग रहा है, पता है ले अपने लिए दोस्त की लड़ी माने की। इसकी सलवार दिखाएं मुझे, इसकी सलवार ये रहा है, मैंने कैमरे के तो आप कितने क्यों माने किए खेती है देखो। इसका क्या फाइनल क्या होगा? 550 का 2 पीस अच्छा लग रहा है ना, ये उतरेगा तो नहीं? एक बात उल्टे स्त्री करो, समझ गया बात? उल्टे स्त्री करो, सही 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 करो। बोला आपको ना, इंग्लिश नहीं बोला आपको, नहीं मैंने सुना नहीं।
अच्छा लग रहा है। चले भाई भाई दे दे, उन्होंने पापा बोल दिया। ये दिखा सलवार, ये पसंद है, ये 1000 पसंद है, सब इंग्लिश मार है, कुकू पसंद है, कुकू लग रही है। इधर देखो जरा, कौन सिटीजन पसंद है? अच्छा है ना? हाँ, ये सिटीजन देखे या क्या याद करेगा? चटा तक अंदर कमा हुआ है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं बेडशीट के स्टॉल पे। यहाँ पे जो बेडशीट है ना, वो डबल बेड की जो बेडशीट है वो 850 रुपीज़ में दे रहे हैं, 850 रुपये में ये बेडशीट्स दे रहे हैं। और यहाँ पे जो इनका कपड़ा था ना, वो हाईली रिकमेंड है, बहुत ही अच्छा कॉटन का, चनियोटी कॉटन जो होती है ना, जो चनियोट से बेडशीट्स आती हैं, ये वो वाला कॉटन था और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे इनके पास। इनके पास डिज़ाइन की कलेक्शंस बहुत ज़्यादा थी। ये आप ना अपने मैट्रेस पे और आप अपने पिल्लू के कवर्स बनाएं, आप रज़ाई कंबल के लिए जो है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत ही सस्ते दाम में पड़ेंगे। यहाँ पे 850 रुपए की एक ही चादर दे रहे हैं। ये ब्लू वाली भी जो पीछे येलो गई है वो भी बहुत अच्छी थी, रेड वाली भी बहुत अच्छी थी, पर इनका कपड़ा बहुत अच्छा था। इनका कपड़ा जो है ना, ये वाला कपड़ा ख़राब नहीं होता, तो ये हाईली रिकमेंड है। आप लोग यहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर बाय करें। जो चीज़ अच्छी है ना यहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अच्छी है, वो आप लें। यहाँ पे ये देखिए, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लोर किया है कि इनके पास डिज़ाइन बहुत सारे हैं। इनमें से आप अपने जो है ना, वो रज़ाइयों के कवर्स भी बना सकते हैं, कंबल्स के भी बना सकते हैं, कम्फर्ट के भी आप जो है ना यहाँ से पूरा सेट बनवा सकते हैं, तो आपको बहुत ही कम कीमत में पड़ जाएगा। जो चीज़ अच्छी है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ये वाले जो भाई हैं, इनकी जो शॉप है ना, इन पे कपड़ा बहुत अच्छा था, वाकई ये आपके लिए फुली रिकमेंड है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो मेरे कहने पे यहाँ से बेडशीट ज़रूर बाय कीजिएगा। अब चलते हैं आगे, और आगे ये वाला जो स्टॉल है ना, इस पे कॉटन के जो सूट थे, इनके प्राइस थे 650 रुपये, 650 का यहाँ पे 3 पीस आपको सूट मिल जाएगा, कोई सा भी ले लें आप इसमें से। इसका कपड़ा जो है वो लोन था। और अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, आगे चल के आप यहाँ पर आए ना तो आप मास्क का ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब ये जो स्टॉल है ना, इस पे जो कुर्तियाँ थी उनके कलेक्शंस भी अच्छे थे, उनकी स्टिच भी अच्छी थी, उनका कपड़ा भी अच्छा था। ये लीलन स्टफ था, ज़्यादातर लीलन पे था, कॉटन बहुत ही कम थे इसमें। इसमें जो प्राइस थे ना, वो छोटी वाली 300 की कुर्तियाँ थी, और जो बड़ी हैं साइज़ में थोड़ी, तो 400 की थी, और जो सबसे बड़ी हैं वो तकरीबन 12 साल तक की बच्ची को आ जाएंगी, तो वो जो है अंकल जो दे रहे थे वो 500 की दे रहे थे। तो ये भी अच्छी थी, अगर आप बाय करना चाहें तो यहाँ से भी आप बाय कर सकती हैं। स्टिच अच्छी थी, इनकी सिलाई बहुत। आप लोग यहाँ पर आए ना तो मास्क लगा कर आए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो लोकेशन है ना, ये सामने जो है ना, बिल्कुल आपको दी एजुकेटर स्कूल है, और उसके सामने ही ये हफ्ता बाज़ार लगा हुआ है। ये हफ्ता बाज़ार है और ये एजुकेटर स्कूल है, और ये हमारी ख्वारी हो रही है। ये कैसे दे रहे हैं मास्क? 250 के। ये 200 के 6 हैं। अच्छा, 250 के 6। अरे भाई, यहाँ कप भी 200 के 6 हैं, और 250 वाले कौन से? ये भी 200 के, और 250 वाले कौन से? ये आगे वाले 250 के। कितने का? हाँ, 3 6 6 250 देखें कोई। वो यहाँ पे मुझे तो इतना खास कुछ नहीं लग रहा, बाकी आप लोग देख लो। ये ग्लासेस कैसे दे रहे हैं? हाँ, ये कैसे दे रहे हैं? ये बच्चों के?
अच्छा बच्चों को चाहिए बड़ों को चाहिए क्या प्राइस बता दे ये शीशे में 150 का ये 150 का 150 का मिल जाएगा अच्छा सबके यही प्राइस होंगे थोड़ी सी यहाँ पे ना लो है ना अगर रियल आप मुझसे पूछे ना मेरा रिव्यू तो बहुत सोच समझ के चीज़ें लें प्राइस जो है कम है पर चीज़ों की क्वालिटी भी लो है ये कैसे दे रहे हैं भैया इसमें बड़े साइज भी हैं 350 की दिखाओ घर तक जाने तक टूट जाएगी है ना नहीं यार ये कह रहे हैं हाँ मतलब टूटेगी सच बोल रहे ना अच्छी बात है 3 महीने चलेगी नहीं सच बोला ना आपने ये शादी वगैरह ऐसे जाने के लिए एयरसॉफ्ट की ले लो वो पेट्रोल में चलाओ टूटेगी नहीं कौन सी एयरसॉफ्ट की अच्छा ये कुर्सी वगैरह की प्राइस बता दो रेंडमली बता दो ये क्या प्राइस है इनकी ये 350 के इसमें बड़े साइज हैं क्या इससे बड़ा साइज ही नहीं ये 350 के और वो वाले भैया ब्राउन वाले सब 350 हर माल 350 थ्री नेम क्या बोलते हैं पश्तो में 350 को द्रीनेम सो हर माल द्रीनेम सो हाँ 350 रुपीज़ का है भाई और ये वाली ये भी आपका स्टॉल है फजूल हुआ यहाँ आना मेरा सच वाला रिव्यू दे रही हूँ देखो पसंद आए लाइक करो नहीं आए डिसलाइक करो देखो जरूर ओह माय गॉड यहाँ पे ये बालियाँ भी हैं ये वाली बड़ा सुना था अस्पताल के बारे में इसकी क्या प्राइस है भैया कितने की ले रहे हैं ये कोई सी भी जाने वाली बात है ये 50 हर चीज 50 की है क्या अच्छा ये 50 की है जी इसमें ये बड़ी वाली भी है हाँ जी कवर रिव्यू दो अपना आवाज में दो क्या कहती है आना चाहिए मैंने कही थी अच्छा जुमेरात बाजार चले जा जुमेरात बाजार में वाकई काम की चीज़ें थी काम की थी ना अच्छी चीज़ें वहाँ पे और यहाँ जो है ना यहाँ होना ना होना ये पोनियों का क्या प्राइस है भैया भाई अच्छा ये आप सब ये 30 है और ये अच्छा और ये वाली ये बड़ी क्यूट है ये 30 की ये 50 की और ये वो वाले बैग्स हैं क्या प्राइस है भैया कोई सा भी ले लें 250 की सेल है अच्छा और वो वाले भी दिखाएं एक सर हमको ये लगे सब 250 छोटे बच्चों और ये वाले ये भी 250 क्वालिटी क्या कह रहे हैं अच्छी होती है अच्छी क्वालिटी है बाजी तो सेल लगा के बेच रहे हैं नहीं तो ये 350 की सेल में लगता है माल ये अच्छा अच्छे बाजारों में गंगा दिन वगैरह गुलशन चले हैं 350 की सेल लगाई भी 250 में ये रोड है ये पुल क्या कहलाते हैं और ये बाजार के साथ कैफे एनिमल वर्ल्ड थे ये सामने पता नहीं कौन सा पार्क है और ये सामने एजुकेटर है ये पुल कौन सा कहलाता है तीसरा पुल